कि आज आप चेकिंग की नाटक कर रहे हैं। जब हो रहा था घटना, सभी जगह से फोन जा रहे थे पुलिस को, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जंगल राज में भी जंगल का कानून में एक राजा होता है। यह नीतीश कुमार जी का गुंडा राज हो गया है, जहां हर गुंडा राजा बन गया है। एक साथ पूरे जिले को धमकाने की साजिश एक बहुत बड़े साजिश का नतीजा है। आपके राज्य में अगर डीएसपी थाने में पिटाएगा, आपके राज्य में सड़क पर खुलेआम गोलियां चलेंगी, तो जाहिर बात है हम दिल्ली में पिकनिक मनाने वाले विरोधी दल नहीं हैं। आप कह रहे हैं, आप करके दिखाइए ना। आपका प्रशासन है, गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी को तो तुरंत साजिश पे नकाब करना चाहिए। आज उनको एक अच्छा सहयोगी दल मिल गया है, जो कभी उनसे कानून व्यवस्था पर नहीं पूछेगा, न कभी शिक्षा पर पूछेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ शिवम। बेगूसराय गोली कांड को लेकर जो बिहार की सियासत है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। ऐसे में राजद के कई नेताओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ही महागठबंधन की सरकार के खिलाफ साजिश रची है। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल से बात की, तो उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। आज विगत दिनों में जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उसकी परिणति कल बेगूसराय में देखने को मिला है। 40 किलोमीटर दूर तक लगातार गोलीबारी की गई, 4 थाने और 3 ओपी, 7 पुलिस नाका को पार किया गया और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। आज चेकिंग हो रही है, पर आज से पहले कहीं भी बिहार में चेकिंग नहीं होती थी। आज क्या कोई बेगूसराय में घटना करेगा क्या कोई, कि आज आप चेकिंग की नाटक कर रहे हैं। जब हो रहा था घटना, सभी जगह से फोन जा रहे थे पुलिस को, पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज बेगूसराय बंद किया है। मैं माननीय मंत्री गिरिराज जी को आभार व्यक्त करता हूँ कि वह इस घटना के बाद सीधे अपने गृह क्षेत्र में गए हैं, और जो उन्होंने मांग रखा है कि यह एक तरह से उग्रपंथी हत्या है, इसलिए उसके जिसकी मृतक को 1 करोड़ का मुआवजा दिलवाया जाए और घायलों को भी अच्छी राशि दी जाए। इसके अलावा एक दूसरा इशू है जिस पर मैं आप सबों को, कभी भी बिहार में इस तरह की लोमहर्षक घटना नहीं हुई थी, और यह सही बात है कि अब जंगल राज में भी जंगल का कानून में एक राजा होता है। यह नीतीश कुमार जी का गुंडा राज हो गया है, जहां हर गुंडा राजा बन गया है, और यह केवल और केवल कोई नया क्रिमिनल जो चाहता होगा कि हमारा वर्चस्व बने, इस सरकार में मैं आराम से बेगूसराय जिले में वसूली कर सकूं, उसने यह पूरी साजिश की होगी। पूरे एक साथ पूरे जिले को धमकाने की साजिश एक बहुत बड़े साजिश का नतीजा है। और आप व्यवस्था ठीक रखिए, हम क्यों बोलेंगे। आपके राज्य में अगर डीएसपी थाने में पिटाएगा, आपके राज्य में सड़क पर खुलेआम गोलियां चलेंगी, तो जाहिर बात है हम दिल्ली में पिकनिक मनाने वाले विरोधी दल नहीं हैं। वह उनके समय में था कि विरोधी दल में रहते थे राजकुमार जी, तो वह दिल्ली में पिकनिक मनाते थे। हम जनता की समस्याएं सरकार में रहते हुए भी उठाएं और उनसे ज़्यादा उठाएं, चाहे वह शराबबंदी हो, चाहे बालू हो, चाहे कानून व्यवस्था हो। आज विरोधी दल के नाते हर जगह सरकार को सावधान करना और जनता को इंसाफ दिलाना हमारा कर्तव्य है। एक मिनट, इसलिए ऐसा हुआ है। मेरा अनुरोध रहेगा माननीय उस राजद के नेता जी से कि कृपया कर 6 घंटे के भीतर, 12 घंटे के भीतर अपराधियों को पकड़ करके साजिश को बेनकाब करें। आप कह रहे हैं, आप करके दिखाइए ना। आपका प्रशासन है, गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी को तो तुरंत साजिश बेनकाब करना चाहिए। यही तो हम भी अनुरोध करें। हम तो उसी के लिए बेगूसराय आज बंद है, क्योंकि वह साजिश बेनकाब होनी चाहिए, वरना इसके पहले कभी भी किसी का भी सस्पेंशन नहीं होता था, और आज भी लाइन हाजिर किया गया है। इस सरकार में सबसे बड़ा यही है,
कि जो टॉप के पदाधिकारी हैं वह सारा साजिश रचते हैं, और जब बात बढ़ती, अगर हमने बात नहीं बढ़ाया हुआ होता तो एक चौकीदार पर भी कार्रवाई नहीं होती, जब बात बढ़ती है तो कुछ लोगों पर कार्रवाई का नाटक करके अपनी जिम्मेवारी का इतिश्री कर देते हैं। SP क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबल है? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएँ घटती हैं, SP अपनी जिम्मेवारी से कैसे रिस्पॉन्सिबल नहीं है? क्यों अगर एक बड़ी घटना घटती है तो उत्तर प्रदेश में SP को सजा दिया जाता है, यहाँ क्यों नहीं दिया जाता? बिल्कुल नहीं, मैं 4 महीने से लगातार उनको टोकता था कि कानून व्यवस्था गड़बड़ा रहा है, और ये सारा कानून व्यवस्था गड़बड़ का जिम्मेवार वही शराब माफिया है जो राष्ट्रीय जनता दल के समय में लूट का काम और अपहरण का काम करता था, वह अब शराब माफिया हो गया है। मैंने कभी नहीं इनका पक्ष लिया, और नीतीश कुमार को सबसे बड़ा यही कष्ट है कि हम सहयोगी दल होते हुए भी कानून व्यवस्था पर, शिक्षा पर क्यों टिप्पणी करते थे। आज उनको एक अच्छा सहयोगी दल मिल गया है जो कभी उनसे कानून व्यवस्था पर नहीं पूछेगा, न कभी शिक्षा पर पूछेगा। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बेगूसराय गोलीकांड को लेकर अपना बयान दिया, और यह तक कहा कि अगर BJP ने इसके खिलाफ साजिश रची है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गृह मंत्री भी हैं, और ऐसे में तुरंत ही उन इस साजिश का पर्दाफाश भी होना चाहिए। साथ ही साथ संजय जायसवाल ने यह मांग की है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि भी मिलनी चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बेगूसराय में कल देर शाम बहुत बड़ी घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, ऐसे में पुलिस अपराधियों को कब तक गिरफ्तार करती है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।